पूरा नाम को तुम्हारा लेना, इसके लिए इज्जत कमाना पड़ता है, समझी तुम? वो देवी है ना, वो अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डाली है। डेविस एंड होम ये। अंदर चलो। खुले नहीं जाना है। सैम, सैम चल। प्लीज सुनो। जाने तो मुझे खुले नहीं जाना है। सैम, वो आज जाएगी यहाँ पर। अभी तक जाने तो मुझे। सैम, प्लीज रुक जाओ। चाबी दो। क्या हुआ? क्या हुआ? Speak, speak. बोलो, बोल नहीं रही है। अरे डेव, यार you killed it today यार with the anchoring and the sari. Amazing. Thank you. अच्छा क्या प्लान है तेरा? I'm going to be heading home. I have to get home early today. Home? अरे भी एक joint पीते हैं ना यार, एक joint. नहीं यार, it's too late today. अबे चलना यार डेव. चलना यार डेव यार, एक joint यार. अरे तेरा PG outer lines में है ना? अरे we'll drop you home यार. Come on, एक joint. All right, but just one, okay? हाँ, आजा आजा. हम गाड़ी में तो रोल नहीं कर रहे ना? अरे नहीं यार, हम लोग आकाश के घर जा रहे हैं. We'll chill there. Open, open. It's all my fault. It's all my fault. It's all my fault. How will I go to college tomorrow? How will I face the world? How will I face my friends or anyone? What will I tell my parents? Everyone will think I am a slut. Am I a slut? Am I a slut? Am I a slut? What do I do? Pooja, you write a story on me. I was such a bitch to you, right? I deserve it. You should write about the girl who completely screwed herself. What do I do? What do I do? What do I do? Look, Devi, we need to report this. Let me call 1090. Have you gone mad, Meghna? What the fuck will police do? They'll just screw our lives a little more. What do you want? कल के सारे newspapers में ये news flash हो कि a 22-year-old DU student was assaulted by her own friends. You want that? Police will hound her. Media will hound her. Her parents, her relatives, the society वो नीचे बैठी और auntie she will hound her. किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सैम. She knows the assaulter. We know the assaulter. अभी की अभी इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ पता चल जाएगा. Those fucking bastards deserve punishment. And how can you not let that happen, Sam? Because those fucking bastards are never going to get punished. It's always the girl who gets punished. जिंदगी भर के लिए ठप्पा लग जाता है, समझी? No, 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 no. I will heal myself. I will go for soul cleansing. I will meditate. I will write. I will go for penance. I will heal myself. It will be over. 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 every reason. It will all be over. It will all be over. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। It never gets over. तुम चाहोगी भी ना तो भी जिंदगी भर नहीं भुला पाओगी, और अगर अभी कुछ नहीं किया ना तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पूजा। क्या करेगी ये? क्या करेंगे हम? हाँ, and it's all my fault. Why did I get into the car with them alone? Why did I trust them? I deserve to be punished. पूजा, तुम जा कहाँ रही हो? उन लड़कों को ढूंढने। पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है? हाँ? नहीं, what are you trying to do over here? पूजा, हम एक ही बार में एक ही प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। प्लीज हमारी प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ। मेघना प्लीज। सैम, तुम उन लड़कों को जानती हो, हम उन लड़कों को जानते हैं। हम जाके ढूंढेंगे उन्हें। हम पुलिस के पास में नहीं जाएंगे, लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी कुछ नहीं किया तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो करेंगे क्या? वो 3 है और हम 4 हैं। देव कह रही थी कि उन लोगों ने पी रखी है और वो हंगामा करने के मूड में थे। मतलब इस वक्त जहाँ कहीं भी दारू मिलती होगी वो लोग वहीं पर होंगे। वहाँ भी नहीं होंगे तो कहीं तो होंगे। हम कल सुबह तक, जब तक ढूंढना पड़े तब तक उनको ढूंढेंगे, लेकिन उनको ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उनको ऐसे नहीं जाने देंगे। सैम चुप रहो। तुम क्या चाहती हो? हाँ, पूरे मोहल्ले को बताना चाहती हो इस घर में क्या हुआ है? What do you want? Just shut up. तुम डरपोक हो, तुम सबके सब डरपोक। साला वहाँ स्टैंड अप कॉमेडी में जाके ताली बजा बजा के गर्ल पावर के जोक्स के ऊपर हंस सकते हो, लेकिन आज जब तुम्हारी अपनी दोस्त को तुम्हारी जरूरत है तो क्या हुआ? फट गई। हाँ, हिपोक्रेट साले, सबके सब हिपोक्रेट। और तुम सैम, क्या उम्र थी तुम्हारी जब अपने प्लेजर के लिए तुम्हारे अपने कजन ने तुम्हें अब्यूज किया था? Shut up, पूजा! Just shut up! दुनिया से डरती हो, लेकिन अपनी नजरों से नहीं डरती। गाड़ी की चाबी लेते हैं। गाड़ी की चाबी लेते हैं। मजा बहुत आया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि माल की वजह से है सारा। खतरनाक था। साड़ी में दम। किलर। साड़ी। दम था साड़ी में। अबे ये यहाँ तो कोई नहीं। कौन है बे? मैं क्या तो? मैं क्या? ए लाइट बंद कर। कौन है बहनचोद? बस 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 बस। आंटी परपरा रहा है। हाँ, दंगा करने के लिए हमने कहा था ना, हैं बेटे? तो हम भी कहाँ आपसे दवाई मांगे हैं। चुप कर कमीनी, बहुत बोलती है। अभी आती होगी पुलिस, लगाते रहना फिर थाने के चक्कर। आंटी हमको थाने के चक्कर लगाने की आदत है। हाँ हाँ मनु पता है, दरोगा है तेरे पापा, लेकिन तू भी ना कहीं की जज या मजिस्ट्रेट नहीं बन गई अभी। दिमाग खराब हो गया था तुम लोगों का। जे कुछ हो जाता तुहाडे लोगां नूं फेर जो हुआ उससे बुरा और क्या होगा। आंटी ऐसा मत बोल बच्चे, जो तुमने उन हरामजादों के साथ किया है ना वो बहुत कम किया है। आ लगेगी उन्होंने मेरी, देखना। नहीं आंटी, आप हमारी वजह से कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाए। हम चारों कल ही मेरे घर को निकल जाएंगे। एक घुमा के दूंगी सैम। शर्म नहीं आती? अपने बाप का घर समझ रखा है मेरी पीजी को तुम लोगों ने, क्या कि जब मन किया छोड़कर चल दिए। अरे इतने कम नोटिस पर तो मैं बीजी को जहन्नुम भी ना जाने दूं। तो और क्या डिसाइड करना है आंटी, हमने तो कर दे जो हमें करना था ना। बच्चे एक काम बाकी है अभी। हेलो पूजा, सो रही हो? पूरा देश का नींद उड़ा के सो रही हो मतलब? अरे पूरा टाइमलाइन पे छाई हुई हो। देखो व्हाट्सएप पे अभी लिंक भेजे हैं, जल्दी देखो अभी अभी। पूजा तुम ठीक हो? बाद में बात करते हैं विकास भैया। मेघना उठो, सुनो वो हमारा कल रात वाला वीडियो किसी ने उसको YouTube पे डाल दिया है। हाँ मैंने ही डाला है, और आंटी के आईडी से। सुबह 5 बजे 78 लाइक्स है, अभी कितने हैं? हे भगवान तुम पागल हो? पापा को पता चला तो मेरा 1 वे टिकट टू मुजफ्फरपुर तो पक्का। पूजा तुमने ही शुरू किया है ये सब, अब जो होगा उसको भुगतना पड़ेगा। अब मुझे सोने दो। आज सुबह 5 बजे अपलोड हुआ एक वीडियो इंटरनेट की सारी दहलीजें तोड़कर वायरल हो चुका है। सुबह से सोशल मीडिया पर यही सवाल छाया हुआ है कि वो लड़कियां हैं कौन जो इतनी रात को बीच सड़क पर 3 लड़कों को इतनी बेरहमी से पीट रही हैं, और वो लड़के किस हालत में थे कि वो पीटे जा रहे थे। उन लड़कियों में से एक ने यह वीडियो हमारे चैनल को भेजा और आज वो चारों हमारे साथ हमारे स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। क्या आप चारों अपना परिचय हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? हमारा परिचय जानकर क्या करेंगे सर? आप चाहें तो हम आपको उन 3 लड़कों का नाम, पता, परिचय सब दे दें। उन लड़कों के बारे में भी बात करेंगे हम आपसे, लेकिन एक बात बताइए, इतनी रात को आप चारों दिल्ली की सड़कों पर उन लड़कों को इतनी बेरहमी से पीट क्यों रही थी? सर आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपने तो पता लगा ही लिया होगा, लेकिन आपसे भी तो पता चले। मैं बताती हूँ क्यों पीट रहे थे वो लड़के। उस रात को पता आपको क्या हो रहा था? वो क्यों आए थे? देखकर तो ये लग रहा है कि आधी रात को बीच सड़क पर शराब पीने की सजा दी है आपने उन तीनों को। शराब पीने की सजा क्यों देंगे? वो भी हम, मैं जो खुद रोज जम के पार्टी करती हूँ, या फिर ये जो सिगरेट पीती है। मतलब मैं शराब पीती हूँ या ये सिगरेट पीती है या वो बैठी बहुत देर से घर आती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ कोई भी किसी भी किस्म की बदतमीजी कर सकता है या फिर हमारे साथ असॉल्ट हो। असॉल्ट का मतलब आप ये कह रहे हैं कि असॉल्ट में भी मतलब ढूंढ रहे हैं आप, या फिर एग्जैक्टली हद जानना चाहते हैं? मतलब ये है कि उन तीनों ने हम में से किसी एक का, उस एक का जो उनको जानती थी, जिसने उन पर भरोसा किया, उसका भरोसा तोड़ा है और उन तीनों को उसी की सजा मिली है। लेकिन आप पुलिस के पास भी तो जा सकती थी। पुलिस या लोग या सोसाइटी क्या करती है ये तो आप जानते हैं ना सर। They always point fingers at the girl. The girl is always at fault. लेकिन उस लड़की को बाहर आकर अपनी लड़ाई तो लड़नी होगी ना। वो लड़की अपनी लड़ाई लड़ रही है सर, और वो क्या, हर लड़की हर दिन अपने तरीके से अकेले अपनी लड़ाई लड़ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उस लड़की के साथ 4 और लड़कियां खड़ी हुई हैं। आपने तरीके की बात की, तो आपका ये कहना है कि ये एक जायज तरीका है इस लड़ाई को लड़ने का? Certainly not, sir. What happened was a reaction. We don't believe it's a solution. That is the point we want to make, and that is why we are here today. तो क्या point है आपका? हमारा point, sir, do us a favor. आप ये जो हम चारों में से वो लड़की कौन होगी अपनी ऑडियंस को स्पेक्यूलेट करने का मौका मत दीजिए। जो आप हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, आप उन लड़कों का क्यों नहीं दिखाते? उनसे पूछे कि इन्होंने क्यों किया, क्या किया, कैसा लग रहा था उनको। आपके दर्शक जिसके साथ ये हुआ उसको पहचाने, इससे कहीं ज्यादा ये जरूरी है कि जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों को अच्छी तरह से पहचान लें। आज की ये बातचीत नए सिरे से फिर से वही झकझोर देने वाले सवाल खड़ी करती है, लेकिन उन सवालों का जवाब एक दिन में ढूंढ पाना तो मुश्किल है। टीवी पर इतना कुछ बोलाने के बाद हम 3 दिन तक सोशल मीडिया पर छाए रहे। ट्विटर पर तो हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे थे हमारे नाम के, हैशटैग यंग विजिलेंटीज, हैशटैग यू गो गर्ल। हमारे सपोर्ट में साड़ी पहन के गए थे तो मजाक भी खूब उड़ा। चल पड़ा एक और हैशटैग, साड़ी वाला रिवर्स सेक्सिज्म। लेकिन इस सब के बाद हमारी लाइफ में कुछ तो जरूर बदला। ये समझ में आने लगा कि ये जो गुड गर्ल या बैड गर्ल, ये जो इमेज बनाया हुआ है ना, ये सब एकदम बकवास है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहते हैं। जिंदगी की राह में रंग मिले कई रंग मिले, रात का जलसी मिली, फूल सुबह के संग मिले। हम कहाँ को चले, था कहाँ जाना हमें, मिले हमको मिले जीने के ढंग मिले। तीखी सी खट्टी मीठी सी तू जिंदगी, तू शिकायत है पर जरूरत है तू जिंदगी। जब खता भी हुई हम समर से गए, खुल गई राहें नहीं, हम सफर भी मिले। जिंदगी है सहेली से एक पहेली सी तू जिंदगी, तू बीमारी है फिर भी प्यारी है तू जिंदगी हाय गाइस, कैसा लगा आपको द गुड गर्ल शो? क्या आपने सब्सक्राइब किया? आदित्य, लोग अच्छी चीज़ों को सब्सक्राइब नहीं करते। तो लाइक तो कर सकते हैं। नहीं, लोग अच्छी चीज़ों को लाइक भी नहीं करते। तो कमेंट तो कर सकते हैं। नहीं, लोग अच्छी चीज़ों पर कमेंट भी नहीं करते। तो करते क्या है? लोग ना टाइम पास करते हैं। और अगर आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डोपामिन मीडिया। बाय। कहाँ से